हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सारिका वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे मटर की इतनी खस्ता कचौरी कि आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे और इसे आप बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मटर की खस्ता कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक बोल में हम लेंगे 1.5 कप मैदा और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 3 टेबल स्पून में डाल रही हूँ इसमें घी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से ये काफ़ी ज़्यादा खस्ता बनती है। तो बस घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। आप इसे इस तरह से हाथ में लेके चेक कर सकते हैं कि ये आटा जुड़ रहा है आपस में कि नहीं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और बस इसका डो तैयार करेंगे हम। तो ना ही हमें डो बहुत गीला बनाना है और ना ही बहुत हार्ड बनाना है, तो इसका हम अच्छा सा डो तैयार करेंगे। बस पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालें। तो देखिए इस तरह से हमारा ये डो तैयार हो जाएगा। तो हमारा ये डो तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे इस तरह से करके रख देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा और घी, जिससे कि ऊपर से ये ड्राई ना हो। और अब इसे हम कवर करके रखेंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि ये डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम बनाते हैं कचौरी के लिए स्टफिंग। तो इसके लिए मैंने रख दिया एक पैन और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल। यहाँ मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, इसको अच्छे से गर्म हो जाने दें। इसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा और मटर की कचौरी बना रहे हैं हम, तो हींग जरूर डालेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 पिंच हींग और इसको भी थोड़ा सा भूने। और इसके बाद हम डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और लगभग 1 चम्मच में डालूंगी यहाँ पर ग्रेटेड जिंजर। तो बस इसको थोड़ा सा भून लें, बस कुछ सेकेंड समय इसको भूनना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो गैस की फ्लेम लो रखें और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हमने डो में भी नमक डाला है। और 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला और इसको फिर से हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। तो देखिए मसाले हमारे भुन चुके हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ मैंने ली है 1 कप मटर और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, लगभग 5 से 7 मिनट ही मैंने इसको बॉईल किया था। ये ताज़ा मटर है तो इन्हें बॉईल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच चाट मसाला, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा कचौरी में। अगर आप चाट मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर आप अनारदाना पसंद करते हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटर को पीसा नहीं है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ इस तरह का मैशर और इससे ही मैं थोड़ा थोड़ा मटर को मैश करूँगी। पूरी तरह से हमें मैश नहीं करना है, बस हमें थोड़ा सा मैश करना है मटर को। कुछ लोग मटर की कचौरियाँ मटर को पूरी तरह से मिक्सी में पीस के तब बनाते हैं, पर मैं उस तरह से नहीं बनाऊँगी। मैं बस मटर को इसी तरह से हल्का सा मैश करके बनाऊँगी, इससे काफ़ी अच्छी बनती हैं कचौरियाँ। अब देखिए मटर मैश कर लिए हमने, इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। तो ये मटर की स्टफिंग हो गई है हमारी बिल्कुल तैयार। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और बस एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इस स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम कचौरियों में ये स्टफिंग फिल करेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये आटा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और अब आप इसको इस तरह से रोल कर लीजिए थोड़ा सा। इसके मैं कर लूँगी 2 पार्ट और एक पार्ट को लेके इस तरह से थोड़ा सा रोल करूँगी। तो इतने में बन जाएंगी लगभग 4 कचौरियाँ, तो मैं इसके 4 बराबर पार्ट कर लूँगी इस तरह से। और जो दूसरा ये पोर्शन बचा है आटे का, इसको भी इसी तरह से थोड़ा सा रोल करिए और इसके भी 4 पार्ट कर लीजिए। तो इतना आटा यूज़ करके लगभग 8 कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी। और ये स्टफिंग जो है ये भी ठंडी हो चुकी है, तो चलिए कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं हम। तो ये आटा जो हमने एक बॉल तैयार की है, इसे हम लेंगे और इस तरह से इसको थोड़ा सा फैलाना है हमें। इसके किनारे हमें बड़े करने हैं इस तरह से, थोड़ा सा दबाते हुए उंगलियों की हेल्प से। बीच का जो पार्ट है उसे आप ज़्यादा पतला ना करें, सिर्फ किनारों को आपको पतला करना है। और इसके बीच में अब हम भर देंगे स्टफिंग, लगभग 2 चम्मच इसमें आ जाएगी। इसको थोड़ा सा दबाएँ और बस अब हमें किनारों को इस तरह से जॉइंट करते हुए बस इस तरह से बंद कर देना है इसको।
ये कचौरी अच्छे से बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो ये फ्राई करते वक्त खुल सकती है। तो बस इस तरह से घुमाते घुमाते इसको बंद कर देना है हमें। और ये हो गई है हमारी कचौरी एकदम तैयार। इसको रख देते हैं और बाकी कचौरियाँ भी इसी तरह से हम फिल कर लेते हैं पहले। तो बस कचौरी जो हम बनाएंगे उसमें हमें इसके किनारे पतले करने हैं। इस तरह से बीच का जो पार्ट है उसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो कचौरी फट जाएगी। किनारे आप पतले करिए और बस फिर हमें स्टफिंग फिल कर देनी है। और बस इसके किनारों को इस तरह से जॉइंट करते हुए बंद कर देना है हमें। तो ये कचौरी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये सभी कचौरी हमने तैयार कर ली हैं और इनको फ्राई करने से पहले हम एक एक कचौरी लेंगे और इसको थोड़ा सा हाथों की हेल्प से ही फ्लैट करेंगे। इस तरह से हम सभी कचौरी को फ्लैट कर लेंगे और उसके बाद ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो कचौरियाँ फ्राई करने के लिए यहाँ हमने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। यहाँ हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो यहाँ पर हम ऑयल को मीडियम ही गर्म करेंगे और फिर हम कचौरियों को इसमें डाल देंगे। और ये कचौरियाँ हमें फ्राई करनी है लो फ्लेम पर। तो कचौरियाँ फ्राई करते वक्त आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और यहाँ पर हमने कचौरियाँ डाल दी हैं तेल के अंदर और इन कचौरियों को आपको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है और ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी इस तरह से। उसके बाद हम इनको पलट लेंगे। जब ये धीमे धीमे फ्राई होती हैं तभी ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती हैं। तो बस इनको फ्राई होने दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कचौरियों को काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं आप प्लेट में। तो ये हमारी कचौरियाँ हो गई हैं फ्राई और काफ़ी अच्छी लग रही हैं देखने में। तो चलिए बाकी की कचौरियाँ भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गई हैं हमारी मटर की खस्ता कचौरियाँ एकदम तैयार, जिन्हें बनाना था एकदम आसान। आपने देख ही लिया होगा कितने आसान तरीके से हमने इसको बना लिया है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।